तो चलो इस वीडियो में हम लोग देखो सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक मोलालता एवं घनत्व के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ही लेंदी तरीके से सोल्व करते हैं, उससे उनका समय ज्यादा लगता है और कैलकुलेशन भी टफ हो जाता है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके द्वारा आप डायरेक्टली क्वेश्चन को फॉर्मूले पे पुट करके और आंसर पा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो मोलालता एवं घनत्व के बीच संबंध, तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो मोलालता है, मोलालता मोलेलिटी, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो ए को हम लोग विलेय मानेंगे सॉल्यूट, ठीक है, और बी को मानेंगे विलायक, विलायक जिसे आप सॉल्वेंट बोलते हो, ठीक है। बाकी अलग अलग तरीके से माना जा सकता है, कहीं पे ए को सॉल्वेंट माना जाता है, बी को सॉल्यूट मान लेते हैं लोग। तो हम यहाँ पे ए और बी, आपकी सुविधा के लिए, ए को सॉल्यूट मान लेंगे और बी को सॉल्वेंट। तो मोलेलिटी इक्वल टू होता है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का मास से डिवाइड करते हैं, और ये किसमें होता है, केजी में होता है। वेरी गुड। अब देखो मोलेलिटी इक्वल टू हो जाएगा, देखो तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल के जगह पे सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास होता है। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पे सॉल्यूट का वेट बाय मोलिकुलर वेट लिख दिए, इनटू इनटू यहां पे जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को यदि आप केजी से ग्राम में कन्वर्ट करते हो, यानी ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफिनेशन तो ये कहता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, बट इवन क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास 500 ग्राम कोई मास है, ठीक है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1000 से भाग देते हो, तो जब 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू बी बाई 1000 आएगा, तो 1000 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, और एक ग्राम जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ग्राम में दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों हमें क्या चाहिए, डेंसिटी में रिलेशन चाहिए, सॉल्यूशन का डेंसिटी यानी विलयन का घनत्व और मोलालता के बीच में संबंध चाहिए। तो आप जरा यहां पे देखो, थोड़ा सा यहां ध्यान देना, हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, होता है कि नहीं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा घनत्व किसका चाहिए, विलयन का, तो मास किसका चाहिए, विलयन का ही चाहिए सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का। तो डी इक्वल टू, आप जानते हो कि सॉल्यूशन का जो मास होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के इक्वल होगा, तो मास की जगह पे हम लिख देते हैं सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, और बट्टा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो आप जरा यहां पे ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अगर हम भी को इधर लाएं तो डी भी इक्वल टू अपने पास मिलेगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मिलेगा कि नहीं बताओ, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से सॉल्वेंट का मास फाइंड करते हैं डब्ल्यू बी, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी उधर ही छोड़ दो, डब्ल्यू ए को इधर ले आओ, तो डी भी माइनस हो जाएगा डब्ल्यू ए, होगा कि नहीं बताओ, होगा कि नहीं बोलो जरा, कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा डी भी इंटू डब्ल्यू ए। अब क्या करो, इस वैल्यू को यहां पे आपने पुट कर देना है, ठीक है, तो इसको यहां पे पुट करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। देखो यदि आप यहां पे पुट करोगे एम इक्वल टू आ जाएगा, यानी मोलेलिटी इक्वल टू सॉल्यूट का मास ऊपर में बटा में सॉल्यूट का मोलर मास हो जाएगा, ठीक है,
ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे क्या है, dV माइनस डब्ल्यू ए, तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे dV माइनस डब्ल्यू ए, dV माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। तो मोलेलिटी इक्वल टू आ गया डब्ल्यू ए, मोलेलिटी इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू dV माइनस डब्ल्यू ए। तो ए आपका रिलेशन आ गया किसके बीच में, मोलेलिटी और डेंसिटी के बीच में, मोलेलिटी और डेंसिटी के बीच में। तो इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली इनमें से अगर कोई भी एक क्वांटिटी अनोन्य है यानी नहीं दिया हुआ है तो आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, तो आपको पता है कौन क्या है। अगर नहीं पता है तो देखो एम जो है ये तो आपका है मोलेलिटी, एम क्या है मोलेलिटी है, मोलेलिटी। डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्यूट का मास है, एम ए सॉल्यूट का मोलर मास है, डी डेंसिटी है घनत्व, वी वॉल्यूम है, दोनों किसका है विलयन का, और डब्ल्यू ए क्या है सॉल्यूट का मास है। तो ये आपका रिलेशन हो गया किसके बीच में, मोलालता और घनत्व के बीच में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो।